सेंटा क्लॉज, हर इंसान को भगवान ने एक जैसा बनाया है, फिर भी कुछ लोग अच्छे होते हैं, कुछ बुरे होते हैं, कुछ सफल हो जाते हैं, कुछ असफल हो जाते हैं, तो ऐसा क्यों होता है? तुम्हें मैं एक कहानी सुनाता हूँ, ध्यान से सुनो। कहा जाता है कि ये धरती रत्न गर्भा है, यहाँ जन्म लेने के लिए देवी देवता भी तरसते हैं। एक बार की बात है, देवी देवताओं की सभा चल रही थी। एक इंसान इतना विकसित क्यों होता है, इस बात पर, कैसे वह इतने बड़े बड़े लक्ष्य प्राप्त कर लेता है, कौन सी शक्ति है जिसके दम पर इंसान असंभव को असंभव कर डालता है। सारे देवी देवता अपने विचार रख रहे थे, कोई कुछ बोल रहा था, कोई कुछ बोल रहा था। पक्का समुंदर के नीचे ऐसा कुछ होता है, वही इंसान को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। अंत में एक बुद्धिमान देवता जवाब देता है, इंसान का दिमाग ही एक ऐसी चीज होती है, वही खजाना है, वो इंसान के पास खुद के पास होता है, वही दिमाग उसे हर कार्य करने की शक्ति देता है। मानव का दिमाग एक बहुत ही अद्भुत चीज है, जो इंसान इसकी शक्ति को पहचान लेता है वह कुछ भी कर सकता है, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। और जो लोग दिमाग की ताकत का प्रयोग नहीं करते, वो लोग जीवन भर संघर्ष ही करते रह जाते हैं। हर इंसान की जय और पराजय उसके दिमाग के काम करने की क्षमता पर ही निर्भर है। ये दिमाग ही वो दैवीय शक्ति है जो एक सफल और असफल इंसान में फर्क पैदा कर देती है। इसीलिए बच्चों, मैं कहता हूँ कि आप जैसा सोचोगे वैसे बन जाओगे। अगर आप खुद को कमज़ोर मानोगे तो कमज़ोर बन जाओगे, अगर खुद को शक्तिशाली मानोगे तो बहुत शक्तिशाली बन जाओगे। यही फ़र्क होता है एक सफल और असफल इंसान में। फिर तो इस बार मैं पक्का सफल हो जाऊंगा, मैं यही सोचूंगा कि सफल होना है, बहुत अच्छे मार्क्स लेकर के आऊंगा। थैंक यू सेंटा क्लॉज, मुझे मेरे दिमाग की शक्ति से अवगत करवाने के लिए।